ओके, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इफ आई से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये दो वर्ड्स को जोड़ के बना है, एक है स्टैटिक और एक है इलेक्ट्रो। नाउ व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक मतलब होता है समथिंग एट रेस्ट, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में लिखा समथिंग एट रेस्ट या फिर स्लो मूविंग, ठीक है। एंड इलेक्ट्रो का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज सिंपली एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आई वुड से द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और अगर हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आई विल से दैट द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। हमेशा हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है आई विल नेवर से द बॉडी हैज एक्सेस प्रोटॉन्स। वी ऑलवेज स्टडी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक ज्यादा मोबिल चीज है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है मतलब उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल गए, ये नहीं बोलूंगा कि वहां से प्रोटॉन्स चले गए, क्योंकि प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे। हम लोग प्रोटॉन्स को इमोबिल मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मोबिल मान के चल रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ठीक है जी। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो अगर मुझे कभी बोला जाए कि एक बॉडी है उसके पास -5 कूलम चार्ज है ना, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। -5 कूलम चार्ज है मतलब नेगेटिव चार्ज है। अब मैं 4 ऑप्शन दूं तुमको कि इट हैज गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन इट हैज गेन्ड सम प्रोटॉन्स, इट हैज लॉस्ट सम प्रोटॉन्स। तो आई वुड ऑलवेज से इट हैज गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन्स, जिसके चलते उसका चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो चुका है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई है? अब सवाल आता है कि हाउ टू क्रिएट चार्ज्ड बॉडीज। एक चार्ज्ड बॉडी को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? हाउ टू क्रिएट चार्ज्ड बॉडी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं चार्ज कैसे क्रिएट करूं, प्लीज अंडरस्टैंड। चार्ज कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैं चार्ज्ड बॉडी क्रिएट करने की बात कर रहा हूं। हाउ टू क्रिएट चार्ज्ड बॉडी। हमारे पास यहां पे 3 मेथड रहते हैं। पहला मेथड है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तो स्कूल में भी पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन बेसिकली अगर मैं एक ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करता हूं, मतलब फ्रिक्शन अगर मैं अप्लाई करता हूं, रब करता हूं, तो हमारे पास जो ग्लास है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्या हुआ ये चीज? और जो सिल्क है, जो सिल्क का कपड़ा है, वो क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या? अब मैं तुमको 4 ऑप्शन देता हूं। Electrons have moved from glass to silk. Electrons have moved from silk to glass. Protons have moved from glass to silk. Protons have moved from silk to glass. तो क्या आंसर दोगे इसका? Electrons have moved from glass to silk. कभी प्रोटॉन की तो बात करनी नहीं है हमको यहाँ पे। समझ में आ गई जो चीज है कि जब रब करोगे तो ग्लास से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होके सिल्क के ऊपर चले जाएंगे, तो ग्लास के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, सिल्क के पास एक्सेस हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या सबको फर्स्ट मेथड क्लियर है? सेकंड मेथड हमारे पास होता है कंडक्शन से। देखो फ्रिक्शन में क्या था, हमारे पास 2 न्यूट्रल बॉडीज थी, सिल्क थी और ग्लास था। तो 2 न्यूट्रल बॉडीज को रब किया, दोनों हो गई चार्ज हो गई। तो कंडक्शन लेकिन एक ऐसा मेथड है कि एक चार्ज्ड बॉडी से हम एक अनचार्ज्ड बॉडी को भी अगर हम चार्ज करना चाहते हैं, तो मतलब अगर मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, ऑलरेडी चार्ज है ये बॉडी मेरे पास, मुझे एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके साथ कांटेक्ट में ला सकता हूं। चलो, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट ला दो या फिर इसको किसी वायर से जोड़ दो, ठीक है। जब तुम किसी वायर से जोड़ दोगे तो चार्ज इसमें थोड़ा फ्लो कर जाएगा, तो दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चार्ज आ जाएगा। क्या चीज समझ में आ गई है? तो इस तरह से हमने एक चार्ज्ड बॉडी क्रिएट कर ली फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी वाया कंडक्शन। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर क्या ये चार्ज दोनों को इक्वली मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस चीज को हम लोग आंसर करेंगे बाद में जाके, जब हम लोग कंडक्टर्स पढ़े, कंडक्शन पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना बोल सकता हूं कि हाँ, अगर ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हुई इन साइज, इन मटेरियल, एवरीथिंग, अगर ये आइडेंटिकल हुए हाँ तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वरना अगर साइज अलग हुआ, दोनों का रेडियस अलग हुआ, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। हर एक कैपेसिटी, वाह क्या वर्ड यूज किया है। तो एक अलग चैप्टर आएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स एक चैप्टर आएगा वेयर कैपेसिटर, वेयर कैपेसिटेंस का मतलब ये होगा कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। पूरा चैप्टर है जो तुमने अभी एक वर्ड बोल दिया, ठीक है, पूरा चैप्टर है। और वो चैप्टर शायद जीना आराम ही कर देगा तुम लोग का, बट ठीक है चलो एनीवेज। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, वैसे कंसेप्ट क्या होता है, ऑल्दो बाद में पढ़ेंगे। ये चार्ज इधर से इधर तब तक फ्लो करता रहता है जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मैं पोटेंशियल वर्ड इसलिए यूज कर पा रहा हूं बिकॉज ग्रेविटेशन में तुमने ये चीज पढ़ी हुई है, तब तक फ्लो करेगा, है ना। तुमने रिमेंबर इन 10th क्लास ऑल्सो तुमने स्टडी किया कि करंट फ्लो करता है। करंट क्यों फ्लो करता है? तब तक फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी लगाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, तभी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट फ्लो, तब करंट होता क्या है? चार्ज का फ्लो। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल अलग है। जैसे ही सेम हो जाएगा तब फ्लो करना बंद कर जाएगा। तो अल्टीमेटली बस हम लोग यही करेंगे जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे, कि जब बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब हम लोग चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन रोक देंगे वहां पे। ये बात की बात है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर लगाया और कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और ये चैप्टर विल बी वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशन चैप्टर। वही फील्ड दोबारा आएगा, वही पोटेंशियल दोबारा आएगा। डिफरेंसेस जरूर हैं बट देयर आर लॉट मोर सिमिलैरिटीज। एंड सो आई वुड से कि आज घर पे जाके एक बार ग्रेविटेशन को रिवाइज कर देना। अगर रिवाइज कर दोगे बड़ी आसान लगेंगी तुमको सारी क्लासेस, ठीक है। क्या ये प्रोसेस क्लियर है सबको? कंडक्शन एंड एक थर्ड एंड द लास्ट वन इज इंडक्शन। इंडक्शन समझते हैं, ठीक है। तो अगेन मेरे पास यहां पे एक न्यूट्रल बॉडी है। ये भी हम लोग कंडक्शन की तरह ही करेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बनाएंगे यूजिंग सम कंडक्टर। तो ये न्यूट्रल बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूं, और इसको चार्ज करने के लिए मान लो मैं एक कोई और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पास में ले आया, एक रॉड ले आया पॉजिटिवली चार्ज। एंड अच्छा, व्हेन आई से दैट दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, इसका क्या मतलब? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, या फिर इसका इक्वल नंबर में है। इसका मतलब है इक्वल नंबर में है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बट दीज आर इन इक्वल नंबर्स। अब जैसे ही मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पास में लाऊंगा, अब क्या होगा? अब सिंपल ये होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो पास में आ जाएंगे इसके, और जो इसके प्रोटॉन्स होंगे रिपेल होके दूर चले जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब हमने बेसिकली इंड्यूस कर दिया, इनको बोलते हैं चार्जेस को इंड्यूस करना, इसलिए मेथड इसका नाम क्या है? इंडक्शन। अभी भी ये चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है और मुझे टच नहीं करना है इसको, बस पास में लाना है। अगर टच कर दिया फिर तो कंडक्शन हो जाएगी। हमें पास में लाया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस करना। इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस साइड से हम लोग इसको कर देंगे अर्थ, कर देंगे। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ बेसिकली ना एक ऐसी चीज है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, सही है। तो अगर मैं इसको अर्थ कर दूंगा तो इसके पास पोटेंशियल कुछ होगा जिसके कारण वो चार्ज अंदर भेजता जाएगा अर्थ के अंदर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है? अब ये सिचुएशन बन चुकी है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? अब नेगेटिव, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर जा चुका है। अब ये बॉडी कैसी बॉडी बन चुकी है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन चुकी है। समझ में आ गया? और जैसे ही अब इसका तो काम हो गया खत्म, इसको हटा दो, और जैसे तुम हटा दोगे ये जो चार्जेस हैं ये क्या हो जाएंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी वी हैव क्रिएटेड अ चार्ज्ड बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, कि इसने इंड्यूस किया चार्जेस को, जो पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ चले गए थे उनको हमने जमीन के अंदर भेज दिया और जो बाकी जो चार्जेस थे उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जब इस बॉडी को दूर कर दिया था। तो थर्ड हमारा हो गया इंडक्शन। क्लियर? अगेन मैंने पॉजिटिव वाली साइड पे अर्थ किया है। अगर कोई बोले कि जी तुमको इंडक्शन से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनानी है, फिर उसमें क्या करोगे, तुम रॉड को नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आओ, वो प्रोटॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे और नेगेटिव को अर्थ करके उधर भेज दो। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ इंडक्शन वर्क्स। ओके, तो बेसिकली बोर्ड्स में पूछा जा सकता है इस तरह से, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज बॉडी। अगला टॉपिक जल्दी से लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली एक बॉडी के पास जो चार्ज की वैल्यू हो सकती है वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकती हैं, और वो डिस्क्रीट वैल्यूज क्या हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स, है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम्स नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास, तो बॉडी के पास या तो इतना हो सकता है, या 2 टाइम्स हो सकता है, या 3 टाइम्स हो सकता है, या 4 टाइम्स हो सकता है, या फिर -1 टाइम्स या -2 टाइम्स, -3 टाइम्स, -4 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन की डेफिशिएंसी है या एक्सेस है उसके पास। कभी भी किसी भी एक चार्ज बॉडी के पास इतना चार्ज नहीं हो सकता। मैं बोलूं कि उसके पास 2 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इंटीग्रल होना चाहिए। 1.6 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, एंड सो ऑन। बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल्स होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी इस बॉडी के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या 2.5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। क्लियर है? लिखो जल्दी से, चार्ज पोजेस्ड बाय अ बॉडी, चार्ज पोजेस्ड बाय अ बॉडी is always an integral multiple, is always an integral multiple of charge carried by one electron, charge carried by one electron। ठीक है जी, और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और n कैन बी एन इंटीजर, 0, 1, 2, 3, -2 एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अ बॉडी पोजेसेस, a body possesses 16 coulomb charge plus 16 coulomb charge, find number of deficient electrons, find number of deficient electrons। कितने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हैं? ठीक है, सो Q इज इक्वल टू NE, दैट इज 16 इज इक्वल टू n × 1.6 × 10⁻¹⁹, तो n इज इक्वल टू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इस बॉडी में, तभी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, डन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कूलम्स लॉ। ओ ओ ओ, चलो भाई कोई टशनबाजी नहीं करेंगे। कूलम्स लॉ, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज जो ग्रेविटेशन में हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, लगभग सेम। वहां दो मासेस के कारण था, यहाँ पे दो चार्जेस के कारण है। वहां फोर्स वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यहाँ इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अगर चार्जेस हमारे लाइक चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स। अगर अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो कूलम्स लॉ बिल्कुल सेम बातें ही करेगा ये। एंड सबसे पहली बात, एप्लीकेबल इसके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब समझते हो, राइट? सो एप्लीकेबल फॉर टू पॉइंट चार्जेस। तो अगर मेरे पास यहां पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, कोई साइज नहीं है, ना स्फीयर है ना कुछ और, बस पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं +q1 और +q2। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट के रिपेल करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पे भी एफ फोर्स लगेगी, इस पे भी एफ फोर्स। ये इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड मान लेते हैं इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय आर। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो कूलम लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है ये जो लग रही है इन दोनों के ऊपर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वहां पे भी सेम ही था, प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। एंड ऑल्सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², सेम वहां पे भी था। और इसको नाम भी बोलते थे इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज ये जो कूलम ने जो लॉ दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर रूल। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r²। ये बन गया। वहां पे क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एक कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या आती है 6.67 into 10 to the power minus 11। यहां पे भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं k। बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है जी, लेकिन ये k में और वो यहाँ पे वो g था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या सोच सकते हो क्या डिफरेंस है? एक काम करते हैं, नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है g और k में। g जो था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, कि मतलब अगर मेरे पास दो मासेस हैं, उनके बीच में लेट्स से 10 न्यूटन की फोर्स है ना। अब मैंने उन्हीं सेम डिस्टेंस पे उनको पानी में डुबो दिया, तो जो फोर्स होगी वो अभी भी कितनी रहेगी, 10 न्यूटन रहेगी, क्योंकि जो जी था ना वो डिपेंड नहीं करता था मीडियम के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन जो के है, के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। ठीक है, मैं चार्जेस को हवा में देख रहा हूं, फोर्स 10 न्यूटन है, पानी में डुबो के वो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो के है लिख लो, डिपेंड्स ऑन मीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल दिस एज कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट, और यूनिट कितना हो जाएगा, देखो फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस k के बारे में थोड़ी और बात करते हैं डिटेल में। जो ये k है ना, k का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × εr। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एप्साइलन नॉट, एप्साइलन के स्पेलिंग ये होते हैं EPSIOLON, एप्साइलन और नॉट। नॉट ये बोले के लिए नॉट यूज कर रहा हूं। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, दिस इज 9 × 10⁹ और यूनिट क्या है, यही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के वाला यूनिट। ये ER तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। देखते हैं, ये 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है। ये यहां पे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एप्सिलॉन नॉट एज परमिटिविटी। परमिटिविटी बताता हूं परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम एयर, राइट। और ये जो ER है ना, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ER की बात कर रहे हैं। एयर के लिए ER इज इक्वल टू 1, एयर के लिए 1 रहता, लेकिन किसी और मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। जैसे म्यू हमने पढ़ा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के लिए 1 और किसी और मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, लगभग लगभग वैसा ही है ये, कि ER हमेशा 1 होगा किसी और मीडियम के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एयर के लिए बात करूंगा तो मेरा K कितना हो जाएगा एयर के लिए, सिंपली ER हटा दो यहां से, ER 1 है, सिंपली ये दैट इज 9 × 10⁹ हमारा एयर के लिए होता है K। क्या जी समझ में आ गई? तो अगर मैं तुमको सिंपली यहां पे लिख के दूं K एयर इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं K ऑफ सम मीडियम, वो कितना हो जाएगा, K एयर डिवाइडेड बाय ER, राइट, K air divided by this much, or I can simply say 9 × 10⁹ divided by। ठीक है जी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी, इसका एक परमिटिविटी है, इसका एक और नाम भी होता है, we also call this thing as, जो ER को हम लोग डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये बस छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको धीरे धीरे आदत बन जाएगी। K मीडियम, ठीक है, फिर तो ये भी समझ में आ गया कि जैसे जैसे तुम एयर के अलावा किसी और मीडियम में डालते हो तो तुम्हारा K की वैल्यू कम होती है, और K की वैल्यू कम होती है तो फोर्स भी क्या हो रही है, कम हो रही है। एट लास्ट यू कैन ऑल्सो से फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड कि तुमने डिस्टेंस सेम रखा है। अब ये ना हो कि डिस्टेंस चेंज कर दो मीडियम में जाके, डिस्टेंस उतना ही रखा हुआ है तो हमारे पास जो फोर्स इन द मीडियम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करनी है, कोई खास बात नहीं है, यू कैन सिंपली से, यहां पे देखो, वी हैव सीन 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। पाई की वैल्यू पता है तुमको, तो सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा 8.85 × 10⁻¹²। ठीक है, 8.85 × 10⁻¹², और इसकी यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ K हो जाएंगे, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लें जल्दी से। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एयर के अंदर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सर्टेन डिस्टेंस पे पड़े हैं, इन दोनों में जो फोर्स है वो एक दूसरे पे 100 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है जी। सेम डिस्टेंस पे हमने रखा और मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम ऐसा कर दिया जिसका ER हमारा 2 है। सेम पूछा जा रहा है कि अब कितनी फोर्स हो जाएगी इन दोनों के बीच में, आंसर विल बी 50 न्यूटन। सो द न्यू फोर्स मान लो F है, this F will be equal to 100 divided by ER that is 2, so answer will be 50 Newton. सिंपल सी बात है। ओके चलो जल्दी से एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लो परमिटिविटी की। परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखेंगे आगे चल के, बट इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर चीज है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि किसी मीडियम की कितनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करने की, परमिट करने की। नाम भी देखो परमिटिविटी, परमिट, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो फ्लो करने का वो परमिशन देता है। तो जैसे जैसे तुम किसी दूसरे मीडियम में जाते जाओगे, ठीक है जी, तो मतलब तुम अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो बेसिकली तुम्हारी ये जो फोर्स है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी फील्ड कम होती जा रही है। या तुम ऐसा बोल लो कि तुम्हारी ये जो के है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो परमिटिविटी को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट वील कम टू दिस लेटर, जब हम लोग फील्ड वगैरह एक बार पढ़ लेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बनाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि ये जो फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। एंड याद करो हमने ग्रेविटेशन पढ़ते हुए भी एक टॉपिक ऐसा बनाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जल्दी से सोच के बताओ हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे जब मैं हम यहाँ पे बात करता हूँ। बोथ आर एग्जैक्टली, वहां पे हम लोग लिखते थे अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन कि चार्जेस कैसे हैं, ठीक है। और नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ये नहीं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मीडियम। वहां पे हम लिखते थे कि डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मीडियम। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हो, वो तो चलो अलग हम लिखेंगे। और इनवर्स स्क्वायर रूल भी हो गया। एक लिखते थे हम सेंट्रल फोर्स, याद है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता था? सेंट्रल फोर्स का मतलब था कि जो फोर्स है वो दोनों सेंटर अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगती थी। एक वो प्रॉपर्टी भी हम लिखेंगे, ठीक है। काम करते हैं, लिखते चलते हैं कि करके फिर वो समझते चलेंगे। जल्दी से लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या कंजर्वेटिव का मतलब समझते हो? कंजर्वेटिव इन नेचर क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क जीरो होना, घूम फिर के वहीं पे आ जाना। सेम चीज ग्रेविटेशन फोर्स में भी होती है ना, कि मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं यहां से घुमा फिरा के यहीं ले आऊं। तो mg ने, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया? जीरो काम किया। तो कैसी फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स? कंजर्वेटिव। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर मैं सेम वहीं पे ले आऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगी? जीरो वर्क करेगी। सो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ब्रैकेट में लिख ली लेना work done along closed path is 0. Work done along closed path is 0. Done. Second, central force. तो सेंट्रल फोर्स से हमारा ये मतलब हुआ कि मेरे पास यहां पे दो चार्जेस हैं, तो फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर की। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस पे फोर्स लगा दे इस डायरेक्शन में, ना ना ना, ऐसी नहीं चलती। ये फोर्सेस जो हमेशा लगेंगी, दिस विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स की। इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइन करते हो, इसके ऊपर भी फोर्स इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। इट्स अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो लिख सकते हो फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। थर्ड, follows inverse square rule, follows inverse square rule। इनवर्स स्क्वायर रूल से हमारा मतलब है एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, कि r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर रूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बोथ possibilities are open, attractive or repulsive। attractive कब होगी? जब unlike charges हैं, unlike charges, that is one is positive and the other is negative। और repulsive कब होगी? जब like charges हैं, या दोनों positive या दोनों negative। ठीक है। and the fifth property, depends on medium, depends on medium। As we have already seen कि force in a medium is equal to force in air divided by ER, where ER will always be greater than 1 if the medium is other than air। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करें अब फिर। तो बस अब 2-3 क्वेश्चंस करके चलते हैं आज, ठीक है। तो लेट्स क्विकली सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2019। तो क्वेश्चन कहता है 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart, are placed at certain distance apart। And force between them is F। Obviously attractive force होगी, तो F दिखा देते हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच में F force है, ठीक है। ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। आगे लिखो, if 25% charge of A is transferred to B, the force between them becomes, the force between them becomes। तो 25% कितना हो गया? Q का, Q/4। तो अगर हमने Q/4 इधर से इधर भेज दिया, ठीक है, तो कितना कितना बचेगा? इसके पास कितना बचेगा? 3 Q/4। और इसके पास कितना होगा, माइनस क्यू में जोड़ दो क्यू बाई 4, तो थोड़ा सा चार्ज नलीफाई कर देगा, तो बचेगा कितना माइनस 3 क्यू बाई 4। ठीक है, एंड ऑब्वियसली देखो चार्ज कंजर्व्ड है, यहां पे यहां से ट्रांसफर हुआ है, दोनों के पास मिला के पहले कितना था, 0 चार्ज था, अभी भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि चार्ज कहीं गुम हो गया, नहीं, इधर से इधर ही भेजा है, तो पहले 0 था तो अब भी 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। उन्होंने बोला कि नई फोर्स कितनी है दोनों में, अगर लेट्स से F1 है तो F1 कितनी है F के टर्म्स में। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली से कि जो F थी वो कितनी थी, KQ इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू था, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। एंड F1 कितनी है, K इंटू 3 क्यू बाई 4 इंटू माइनस 3 क्यू बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर। अगेन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड कर दो दोनों को, तो F1 कितना आ गया, 9/16 टाइम्स ऑफ F। फालतू में इक्वेशन बना रहा हूं, ऐसा दिख ही रहा है सीधा सीधा कि प्रोडक्ट करना है, तो 9/16 F आ गया, तो इसी और आंसर। ठीक है, तो आंसर इज 9/16 F, सिंपल है। तो ये तो था एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब करते हैं अच्छा क्वेश्चन, करते हैं जेईई मेन 2021। जेईई मेन 2021 क्वेश्चन देखो, मेरे पास यहां पे एक +20 कूलम्स है, ओके, एंड एक और चार्ज है -5 कूलम, और दोनों में जो डिस्टेंस दे रखा है दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन है वेयर शुड, और ये दोनों फिक्स्ड हैं, ओके, ये दोनों नहीं मूव कर रहे, फिक्स्ड हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। क्वेश्चन लिखो, वेयर शुड अनदर पॉजिटिव चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0, सो दैट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0। एंड ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा कितना चार्ज है, 10 कूलम्ब है, 5 कूलम्ब है, 6 कूलम्ब है, इट डज नॉट मैटर। कोई एक क्यू कूलम्ब को, पॉजिटिव चार्ज को तुमको एक ऐसी जगह पे रखना है कि उसके ऊपर कोई फोर्स ही ना लगे इन दोनों के कारण। इन सिंपल वर्ड्स, इन दोनों के कारण जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जल्दी से सोचो, तो क्विकली लेट मी टेल यू, पहले तुमको ये सोचना चाहिए कि किधर प्लेस करना है, कहां प्लेस करना है। ब्लाइंडली मत बोल देना कि सर यहां रख देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो तुमको सोचना है कि किधर रखना पड़ेगा। तो करो सब लोग, सोचो सोचो सोचो। इतना भी हिंट दे देता हूं कि देखो, रखना तो इस लाइन के ऊपर ही पड़ेगा, नीचे ऊपर नहीं काम चलेगा। बिकॉज अगर नीचे ऊपर रख दिया, चलो मान लो मैं सोचू कि चलो सर यहां रख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, यहां रख दो, नहीं, ये तो इसको कर देगा रिपेल, ये इसको कर देगा अट्रैक्ट। क्या ये दोनों फोर्सेस कभी कट सकती हैं? नहीं, कटने के लिए वो ऑपोजिट साइड होनी चाहिए वो फोर्सेस। तो ऊपर नीचे तो बात बनेगी नहीं, इतना तो मुझे पक्का पता है कि रखना तो इस लाइन पे ही पड़ेगा ताकि वो कट पाए फोर्सेस। बस इतना सोचना रह गया कि अब इस लाइन के ऊपर कहां रखें, क्या इसके लेफ्ट रखें, क्या इनके बीच में रखें, क्या इसके राइट में रखें। पहले बस मुझे इतना सोच के बता दो कि तीनों में से कौन सा केस बनेगा, कहां रखना पड़ेगा। वो तो बात की बात है, कितने सेंटीमीटर पे रखेंगे, कहां रखना पड़ेगा। हाँ जी, राइट पे, मतलब यूं से कि 5 कूलम -5 के राइट पे। क्या लगता है, तीन ऑप्शन हैं, या तो इतने में, या इतने में, या इतने में, क्या ऑप्शन लगता है? सोचो, बस इतना सोचो। इसके लिए कॉपी पेन नहीं चाहिए, इसके लिए लॉजिकली दिमाग चाहिए कि हाँ भाई कहां रखना है। चलो थोड़ी तो तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म करता हूं। क्या हम बीच में रख सकते हैं? क्योंकि अगर मैंने बीच में रख दिया, मान लो प्लस चार्ज अगर मैंने बीच में रख दिया, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या ये दोनों कोर्सेज कैंसिल आउट हो सकती हैं? नहीं, तो यहाँ तो बात नहीं बनेगी। तो बीच में तो नहीं रखा जा सकता बिकॉज दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगने लग जाएंगे। हाँ जी, राइट में, लेफ्ट में क्यों नहीं? मैं अगर यहां रखता हूं तो क्या इशू होगा मुझे? नहीं, क्या दिक्कत है? देखो 20 कूलम इसको रिपेल कर देगा, 20 ने मान लो लगा दी F1, -5 अट्रैक्ट कर देगा, इसने लगा दी F2, तो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे फॉर श्योर F1 हमेशा बड़ी रहेगी F2 से। क्यों? एक तो 20 जो F1 लगाने वाला बंदा भी ताकतवर है 20 कूलम पे, और वो पास में भी पड़ा हुआ है तो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा बिकॉज अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो 20 कूलम वाले के पास दोनों एडवांटेजेस हैं कि वो मैग्नीट्यूड में चार्ज भी ज्यादा है, उसका डिस्टेंस भी कम है, हर तरीके से वो जीत रहा है। तो मतलब F1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन F2, कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो फिर सर यहां नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी? नहीं, यहां नहीं आएगी, क्योंकि यहां देख के देखो, यहां मैंने चार्ज रखा F1 जो 20 कूलम के कारण है वो रिपेल्शन हो गई यहाँ पे F1, लेकिन -5 वाला अट्रैक्ट करेगा F2। सर यहाँ F1 हमेशा ग्रेटर देन F2 नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है लेकिन इससे डिस्टेंस कम है, मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे बैलेंस आउट हो जाएगा। जल्दी से निकाल दो। तो एक काम करो, इसको ले लो x, अब तो बड़ा सिंपल हो गया, इसको ले लो q चार्ज ले लो। F1 कितनी आएगी? F1 विल बी इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू 20/5 + x का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? और इसके कारण फोर्स कितनी आएगी? दैट वुड बी इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू, मैं बस 5 लिख दे रहा हूं, मुझे तो बस मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करने हैं, इक्वल इक्वेट करने हैं दोनों मैग्नीट्यूड्स, अपॉन x स्क्वायर। ठीक है जी, बस के q ये सब कट गया एंड 4, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ -5 कूलम। इज इट क्लियर? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आज का एक आखिरी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये है, ये भी है जेई मेंस 2021 का ही है ये क्वेश्चन भी। सुनो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो मेंस 2021 तो क्यू चार्ज है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल ले लो 10 कूलम है तुम्हारे पास। तुम्हें इस 10 कूलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 3 कर दो, 8 2 कर दो, 9 1 कर दो, 10 0 कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लो तुमने एक एक्स रख दिया तो दूसरा कितना रह जाएगा? क्यू माइनस। और ये दोनों को डिवाइड करके तुमको ये दोनों चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस पे रख देना है। तुमने रख दिया सर्टेन डिस्टेंस पे। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि तुमको कितने कितने में वो डिवाइड करना चाहिए था ताकि वो फोर्स मैक्सिमम हो जाए दोनों के बीच में। क्या आंसर होना चाहिए इसका? तुम चाहे 10 के पर्सपेक्टिव से बता दो कि 10 कूलम को कितने कितने में बांटना चाहिए। एंड ऐसे क्वेश्चंस का तुमको पता ही है लॉजिकल आंसर क्या होता है कि हाफ हाफ में बांट दो। इसका आंसर Q/2 आएगा। कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। फोर्स कितनी आएगी दोनों में? k इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। वो डिस्टेंस तो फिक्स कर ही दिया तुमने, k तो कांस्टेंट है, तो एक तरीके से तुमको इतनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। सिंपल, दैट इज qx माइनस एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है। किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करो 0, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, q माइनस 2x = 0, तो x कितना आ जाएगा? q/2। q/2 इसको दे दो, q/2 इसको दे दो, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। या फिर ये मैथ्स की बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अगर तुमको मैं कभी भी बोलता हूं, तुम्हें मैंने 100 दिया, 2 नंबर्स का सम होना चाहिए 100, मतलब 2 पार्ट्स में 100 को ब्रेक कर दो सच दैट उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाए। वो हमेशा कितने पे आता है? 50-50 पे आता है। है ना, कि अगर मान लो तुमने लेके देखना वैल्यू, सबसे पहला पेयर क्या हो सकता है, 0 और 100, प्रोडक्ट कितना आता है 0। फिर दूसरा होता है 1 इंटू 99, 1 इंटू 99 तो कितना आएगा 99। फिर 2 इंटू 98 कितना आया 196। ये बढ़ता ही जाएगा, कब तक बढ़ता जाएगा, जब 50 इंटू 50 पे जाके ये 2500 ना बना दे, समझ में आया, तब तक ये चीज बढ़ती जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या देखने की जरूरत है, नहीं, वो तो रिपीट होने लग गया ना। अब क्या बन जाएगा ये 51 इंटू 49, राइट, ऐसे कुछ बन जाएगा, तो 51 इंटू 49 बन जाएगा, और वो तो यहाँ पे था ही हमारे पास, दैट इज 49 इंटू 50। अब सारे बेसिकली वो रिपीट आने लग जाएंगे जो हमने यहाँ पे सारे देखे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा यहाँ पे आती है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो कभी भी सम्स कांस्टेंट है, दो में ब्रेक करना है, प्रोडक्ट उनका चाहिए मैक्सिमम, तो क्या करो, हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, Q/2 Q/2 में। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो एंड आई वुड से ग्रेविटेशन एक बार रिवाइज कर लो, थोड़ा आसानी हो जाएगी फील्ड्स वगैरह दोबारा समझने में, पोटेंशियल फील्ड मैं फिर से समझाऊंगा सारा के सारी चीजें, बट फॉर यू इट विल बी वेरी वेरी इजी देन। हाँ जी।